हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक यूनिक रेसिपी ले आई हूँ, मशरूम और लौकी से बना हुआ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चाहे इसे आप पूरी, पराठे, रोटी के साथ खाइए या राइस के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए फटाफट हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, 5 से 7 लौंग, 2 सूखी लाल मिर्च और 1 टुकड़ा दालचीनी का। सभी तड़के को हम तेल में छोड़ देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से तड़कने देंगे। आप चाहें तो यहाँ स्पून की मदद से इसे चला सकते हैं। आप सुन सकते हैं अपने चरखे से हल्का हल्का चटकने की आवाज़ आने लगी है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 बड़ा प्याज जिसे हमने बारीक बारीक काट रखा है और 3 से 4 हमने हरी मिर्च को बीच से काट लिया है। चरखे में डाल देंगे प्याज और मिर्च को। हम एक मसाला तैयार करेंगे। मिक्सर में हमें 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ले लेनी है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, सूखी लाल मिर्च और इसका हमें एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार करना है। हमने लहसुन मिर्च का पेस्ट बना लिया है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं अपने प्याज का कलर डल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये मिक्सर में बनाया हुआ मसाला और करीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसे अच्छे से भूनेंगे। ध्यान रहे सारे प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पे करना है, तभी मसाला अच्छे से भूनता है और लहसुन की अच्छी खुशबू आती है। अब देख सकते हैं अपनी मसाला अच्छे से भून चुकी है। तो यहाँ पे हम डालेंगे लौकी। लौकी को हमने पील करके क्यूब्स में काट रखा है। आप देख सकते हैं इसमें कोई बारीक काटने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा मोटी मोटी लौकी कटना होना चाहिए। हम लौकी को भी 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे और लौकी के साथ में ही हम यहाँ पर हल्दी नमक भी डाल लेंगे, जिससे कि लौकी अपनी गल जाएगी। यहाँ पर हम 1 चम्मच हल्दी का यूज करेंगे और 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो मिर्च भी डालिए, क्योंकि हमने मिर्च पहले ही यूज कर लिया है तो मिर्च नहीं डालेंगे। और स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे। नमक से लौकी अपने अच्छे से गल जाती है। तो चलिए हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। लौकी को हमने 4 से 5 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं मसाले के साथ लौकी का पानी छूट चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसूर की दाल, जिसे हमने 2 घंटा पहले भिगोया था और पानी से छान के निकाल रखा है। तो यहाँ पे हम 200 ग्राम मसूर की दाल डाल रहे हैं। दाल को भी हम लौकी के साथ 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। क्या बताऊँ आपको, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप देख सकते हैं हमने लौकी के साथ मसूर दाल भी अच्छे से भून लिया है, कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो हम 1 गिलास पानी डाल रहे हैं, क्योंकि लौकी में खुद की अपनी पानी होती है जो दाल को पकाने में मदद करती है। तो पानी यहाँ के समझ के डालना है। अगर गाढ़ी होगी तो हम लाल में थोड़ा सा डाल देंगे। तो चलिए हम कवर लगा के इसे अच्छे से पका लेते हैं। प्रेशर कुकर में सीटी लग चुकी है, गैस रिड्यूस हो चुका है। चलिए हम ढक्कन को खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपनी तड़के वाली मसूर लौकी की दाल तैयार हुई है। चलिए एक बार हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी, हमने जितना पानी डाला था उतने में अपनी दाल अच्छे से पक चुकी है, क्योंकि लौकी का खुद का पानी होता है। अब ऊपर से हम डालेंगे ढेर सारा फ्रेश धनिया पत्ता, जिसे हमने धो के बारीक बारीक काट रखा है। तो फाइनली अपनी लौकी मसूर दाल की तड़के वाली दाल बनकर तैयार हो गई है। चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी लौकी मसूर की दाल बनकर तैयार हुई है। खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये होता है। नींबू स्लाइस से इसे गार्निशिंग कर लेंगे
और हम थोड़ा सा मिंट लीफ बीच में रखेंगे जिससे कि अपनी रेसिपी सुंदर लगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया मसूर दाल लौकी वाली बनाना कितना आसान है, खाने में तो इतना टेस्टी कि आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।